अल्लाह 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 जाना पूरा ट्रक वो नीचे पलटा पड़ा है देखो ना ये इधर देखो ना दिख रहा है मेरे फोन में अल्लाह रहम चलो आएंगे वापस ओके आपको आपको जा रही है घूमने चलो मैं कह रहा हूँ भाई को कुछ करने से पहले इतनी मेहनत करनी जरूरी है जी बिल्कुल इन्हें भी लिए जाओ अल्लाह हाफिज ए बिटिया नानी नानी को बाय कर दो नानी मैं फिर से आऊंगी नानी फिर आऊंगी हां फिर आइए मेरा बच्चा अब बोलो दोबारा डोल मंगाएंगे बच्ची के लिए अपने एक गाइज अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे और साथ में हमें भी खुश रखे सो आज है डे 3 हम लोग निकल चुके हैं अपनी मंजिल की ओर और हमारे साथ एक नया आदमी जुड़ चुका है वो मैं दिखा देती हूँ आदिल सैयद आदिल और ये डैडा और हम दोनों को इन्होंने पीछे फेंका है लेकिन रास्ते रास्ते में जगह चेंज होती रहेगी मैं पहले बता रही हूँ अभी हम लोग ये गेम खेलेंगे ठीक है हम लोग रास्ते में खेलते हुए आए थे सो अभी हम लोग यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप इन द सेंस अंदर ही गाड़ी में पेट्रोल सॉरी डीजल भरवा रहे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं सामने शॉप पर कुछ तो है अपने को सामान लेना है जैसे कि पानी की बॉटल्स लेनी है क्योंकि हम दूर का ट्रैवल कर रहे हैं तो पानी ज़रूरी होना चाहिए अपने पास पानी ले रहे हैं और लेंगे हम लोग कुछ खाने पीने का सामान क्योंकि बच्चा है साथ में तो हमको कैरी करना है यहाँ पर कुछ तो मार्ट है वहाँ से सामान ले रहे हैं तो ये शॉप है अभी हम यहाँ से शॉपिंग करेंगे जैसे कि पानी की बॉटल्स और ये मामू अपनी ड्यूटी निभाते हुए ये आइसक्रीम का नाम नहीं लेना नायरू क्या आओ नायरू खोलो नहीं अभी क्या है क्या नहीं खोल रहे हो ले ले एक टिश्यू पेपर ले ले रख दो वहीं पे चलो नायरू कम बेटा वो सब ले ले हाँ अभी वी हैव ऑलरेडी कम चंडीगढ़ हाईवे लिया है यही रास्ता जाता है शिमला तो अभी हम लोग जा रहे हैं मनाली की तरफ अभी हम जा रहे हैं हाँ मनाली की तरफ बट बाय चंडीगढ़ होके चंडीगढ़ होते हुए जा रहे हैं हाँ भाई चंडीगढ़ तो अपना अभी हमारा 8 घंटे मतलब जब घर से निकले थे तो 10 घंटे दिखा रहा था बट अभी 8 घंटे दिखा रहे हैं तो 2 घंटा ड्राइव है 2 घंटे हमने ड्राइव कर ली है आगे लिखा सेक्टर है सारे 74 से मेरे को सेक्टर से क्या करना मत बनाया मैं भी अब जाना मैं सूत्र अपनी बिल्डिंग को बाहर से ऐसा उसको कर दूंगा अभी पीवीसी लगा के शीट लगा के थोड़ा बड़ा करने के बाद अनारू कैसा लग रहा है अभी आपको अच्छा मामू भी आ गए तो ये चलो अब खेलते हैं वो सैया वाला ठीक है सो अभी हम लोग ना जब वो निकले थे अपने घर से तो डैडा मम्मा और अनायरा ने सैया वाला गेम खेला था अब मामू भी हमारी टीम में शामिल हो गए तो स्टार्ट करते हैं अनायरू आपसे स्टार्ट करते हैं आप सैया गाओगे चलो 1 2 3 स्टार्ट सैया अब आदित तेरी बारी सैया अरे मजाक से तेज आवाज में सैया सैया
कहने में दर्द नहीं है। सही है कौन बैटर गा रहा है? अरे मेरी मम्मा की बारी है। अरे मम्मा आपकी बारी। सैया तुम नाच ही क्यों गा रहे हो? से नॉट स्टॉप खींच रहा तुम्हारा। अरे मेरी आपकी बारी। आपका टर्न। सैया तू जो चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। एलेक्सा ए एलेक्सा सुन रही? एलेक्सा नहीं सुन रही। एलेक्सा बेइज्जती कर दे रहे हैं। नहीं भाई सुन ही नहीं रही। एलेक्सा नहीं सुन रही। एलेक्सा क्यों कर रहे हो आप ऐसा यार? मैं पहले प्यार से बोला। क्या हो गया इसको? एलेक्सा बहरी हो गई हो क्या? एलेक्सा अपनी औकात दिखा रही है रास्ते में। नहीं नेटवर्क का इशू है शायद। बहरी हो गई क्या एलेक्सा? देखो ना अनेरा बातें भी कर रहे हैं एलेक्सा मेरे से। एलेक्सा 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 नहीं सुन रही। अब आया अब ये चल रहा है तो नेटवर्क आया होगा ना? अरे बोल रुक कब से वो चलता रहता है। रुक रुक बाद में बोलने वाला। हाँ बोल अलेक्सा। अलेक्सा तेरी बाहर की उसको क्या? अलेक्सा किसी की भी नहीं सुन रही वो। नेटवर्क ग्लिच हो गया। सही में नहीं आते भाई? नहीं आते। और कल ना हमारे यहाँ पे थोड़ी इतना पंजाबी का क्रेज है यार। कल हम एक सॉन्ग कर रहे थे। अब तो बहुत पंजाबी चल रहा है यार उधर। तो इनको नहीं आता ना, इनको मराठी लगा लेते। वो कौन सा सॉन्ग है? देखो बज रहा है, देखो बज रहा है पंजाबी सॉन्ग उधर। वो कौन सा सॉन्ग है? कल कौन सा सॉन्ग प्ले करवा रहे थे हम? नहीं हो रहा था जो पंजाबी रातें मुंबई से चुराई है। क्यों चुराई है? मुंह में गुजरा मेरे एकदम। खा रहे ना? वो दिखा रही हूँ। हम लोग रुके हैं। हमने कहाँ एंट्री ली है? इस जगह का नाम क्या है? कल्लर क्या? बिलासपुर। यहाँ बैठो आके जाना। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट बैठो आप। इधर देंगी आपको भी दूंगी। बैठो हैं? पोटी आ रही है भाई। पोटी पोटी आ रही है। वॉशरूम है क्या भैया? इधर जंगली वॉशरूम है। इधर हाँ चल। ये भी कैमरा में रिकॉर्ड होएगा। तो यहाँ पे अनारा को जाना है वॉशरूम क्योंकि अनारा वहाँ जंगल के पीछे। अपने दुकान वकान के साइड में मत बिठाओ उधर। उधर पेपुर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ की बहुत गर्मी हो रही है। अभी कुछ भी ठंडापन शुरू नहीं हुआ है। हम एंट्री कर रहे हैं जैसे कि, तो अनारा को हम लेके जा रहे हैं छूछू पोटी कराने। How's your feeling? Parents. You be called parents. Anaya, कैसा लग रहा आपको? पहले पापा ने किया आपने? मम्मी की बारी अब। ठंडी लग रही है। सो फाइनली
सफर जारी है यहाँ पे। यहाँ पे हमारी बिरयानी पार्टी हो रही है अगेन। ये हमारा सेटअप अगेन बिरयानी पार्टी। और यहाँ पे अनायरा जी। हाय अनायरा। अनायरा ड्राइविंग कर रही है। वाओ। हाँ बेबी क्या अभी भी नाश्ता कर रहे हैं आप? ये चलो अपने ये तो ये ब्यूटीफुल व्यू। और थोड़ा अभी तक यहाँ पे ह्यूमिडिटी अभी भी है बट और ऊपर जाएंगे तो शायद हो सके जल ही जाए। लेट्स सी। और यहाँ पर मेरे मियाँ जी बिरयानी का और मौसम का मजा उठाते हुए बिरयानी चटर पटर खा रहे हैं। उनको बिरयानी बहुत पसंद है। यहाँ पर हम अंदर बिरयानी खाते हुए ये बहुत बड़ा चम्मच रुक जाए मैं छोटा वाला ही निकाल रही हूँ। वो भी खा जाए चाट ले जाऊँ उसमें मारे क्या छोले एक्सट्रैक्ट है क्या है वो छोले कुलचे खाए बनवा जमाना हो गया खाए मैंने। हाँ ना यार लग दो मामू बहुत सारे पैसे इसके बहुत सारे पैसे। और बिरयानी खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए थे अपने सफर की ओर। आप देख सकते हैं कैसे कैसे वन वे रोड है, ट्रक्स गाड़ी सब जा रही हैं और जो पहाड़ है जो रास्ते हैं बहुत ख़तरनाक हैं। तो अगर आप ट्रैवल करते हैं तो बहुत बहुत आराम से बहुत सलीके से करें, कोई भी बिल्कुल भी जल्दी घाई ना करें क्योंकि आप रास्ता देख रहे हैं। अगर आप मनाली रोड जा रहे हैं तो बाकी तो सफर सुहाना ही है। 2 घंटे रह गए हैं। ये है अल्लाह 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 जाना पूरा ट्रक वो नीचे पलटा पड़ा है देखो ना इधर ये इधर देखो ना दिख रहा है मेरे फोन में अल्लाह रहम उनका पड़ा बीच में फ्लैट के बाद तो अब वही है। यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे रोड्स पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं तो प्लीज़ केयरफुली गाड़ी चलाएं क्योंकि वन वे रोड है, एक साइड से आ रही है एक साइड से जा रही है और जगह है नहीं हमारे पास तो बहुत आराम से बहुत एहतियात से चलाना पड़ेगा। जाना आप भी बहुत आराम से चलाएं। क्या हुआ बंद हो गई क्या? खराब हो गई सर। खराब हो गई जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना तो आपको और भी ज़्यादा ख़तरनाक माउंटेन्स दिखेंगे, पहाड़ दिखेंगे जिसमें इतनी शार्पनेस है आप देख सकते हो अगर हल्का सा भी रगड़े ना तो पूरा छिलके निकलेंगे। मतलब खूबसूरती तो है लेकिन डेंजरस भी है बहुत ज़्यादा। जैसे कि पहले भी बोल रही हूँ बहुत ध्यान दे के चलाओ यार गाड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मियाँ ने बहुत अच्छे से चलाई, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे, बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत अच्छे से किया। और यहाँ पे देखें जैसे कि काम चालू ही रहता है अगर आप ऐसे रूट्स पे जाते हो मनाली वगैरह पे तो कैसे जितने भी टूरिस्ट हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी अगर टनल वगैरह हो जाएगा ब्रिज बन जाएगा। तो बस दुआ करते हैं जल्दी हो जाए ताकि और सफ़र आसान हो जाए। पहाड़ों पे जाना अच्छा लगता है लेकिन जो सर घूमता है ना वो बहुत ज़्यादा सर दर्द करता है, ये रियलिटी है पहाड़ों की। अरे अभी तो बहुत व्यू आया लेकिन ब्लॉगर बच्चा संभालते हुए घर का काम काज जो कि जरूरी है बच्चे को संभालना और ब्लॉगिंग भी करना। इट्स अप टू यू। थैंक यू। तो अभी यहाँ कैसे हमारा 1 hour and 46 minutes दिखा रहा है। होटल रूम्स जो है हमने मनाली मॉल रोड के आसपास ही जो है बुक कर लिया है तो हम आज मनाली मॉल रोड है वहाँ पे स्टे करेंगे देन फिर कल निकलेंगे हम लोग लेह के लिए। तो अभी हमारा सफ़र है बाकी अगर हमारे पास टाइम रहा शक्ति रही बॉडी में वैसे तो रहेगी क्योंकि सोते बैठते ही आ रहे हैं और बैठे बैठे ये तो थोड़ा बहुत चलना भी है तो मे भी अगर टाइम रहेगा तो हम लोग मॉल रोड विजिट करेंगे करेंगे ना। लेट्स सी पहले पहुंच जाए जाने
भावना वाला दिखाते ना, ऐसा टर्नल दिख रहा है। शाम हो गई है, टाइम देख सकते हैं और मनाली जो है वो बस 56 किलोमीटर दूर रह गया और शाम हो गई और इतनी खूबसूरत शाम लग रही है ना इधर की, बस क्या ही बताऊं मैं आपको। इतना एटमॉस्फेयर प्लीजेंट सा वेदर लग रहा है, हवा भी है, गर्मी भी एकदम ठंडी भी नहीं है। मनाली के अंदर का वेदर मैं अपडेट कर रही हूँ आपको और ये जो खूबसूरत सी शाम है ना, बस क्या कहना है। और यह आगे हमारे जाते हुए राफ्टिंग की गाड़ी, हाँ जी, इसके ऊपर इन्होंने बोट रखी हुई है, मे बी कहीं राफ्टिंग कराते होंगे, देखेंगे। अगर हमें लगेगा राफ्टिंग करना है तो हम करेंगे, अदरवाइज अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए भागा दौड़ी करेंगे। तो बस चलते जा रहे थे, सफ़र बहुत खूबसूरत लग रहा था और यहाँ कुल्लू पहुँच गए थे हम, अंधेरा हो गया था और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे ना, ओहो हो, दूर दराज पहाड़ों पर हमको घर दिखाई दे रहे थे, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना। ऐसी मुँह पे लग रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो लग रहा है हजारों में होंगी। कितनी है? इधर आ जाओ बेटा, आप इधर आ जाओ। चल रही है, वाओ। मामा आने दे गाड़ी के नीचे। मामा बेटा उसका बेबी भी है ना? हाँ, साथ में सब, पूरी फैमिली, पूरा खानदान, पूरा कुनबा, एक गांव जा रहा है पूरा। बेटा एम्बुलेंस किधर? नहीं नहीं जी, एनिमल्स, एनिमल्स है ना? हाँ हाँ, एनिमल है, शीप। वो गई नहीं क्या अभी तक? बहुत है यार, बहुत है, मेरे को तो हजारों की तादाद में पता नहीं। गाड़ी खोलता साइड में ला रही है। अरे कितनी, फिर भी ये देखो यहाँ पे जाके लास्ट में चल रही है। होटल माउंटेन पैराडाइज मार्किंग इसकी बताएगा ना वो, यही तो है। फोन करती रुको, एक्स्ट्रा बढ़िया लगेगा ना। हाँ जी ठीक है ना, ठंड होएगी क्या रात में? गर्मी होएगा तो यार, गर्मी होगी तो पंखा चला लीजिएगा, ठंड होगी तो नहीं, एसी में ठंड होगी तो एक्स्ट्रा है यहाँ पे अलमारी में। ऐसे मौसम तो थोड़ा हल्का बारिश वाला ही है तो उसका कोई ये नहीं होता। ठीक है चलो, वैसे रात के रूप में रात ही तो है। हाँ, एक ही है और भी है, यही रूम है, लास्ट ही है। ठीक है जी, ये होटल जो है हमने ले लिया है, अभी हम लोग यहाँ स्टे करने वाले हैं वन नाइट और अभी मियाँ जी अपनी कार पार्क करने वाले हैं यहाँ। आइए। सो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, होटल मैंने ढूंढा था जो कि बहुत ज़्यादा अंदर था इनके कहने के अकॉर्डिंग, मतलब अंदर है, मॉल रोड से दूर है, तो हम मॉल रोड नहीं जा रहे हैं। जा रहे कि नहीं जा रहे? नहीं यार, बहुत दूर है, आधा घंटा कार से दिखा रहा है, पैदल तो फिर वाट लग गई, सुबह से ट्रैवलिंग करके वाट लग गई है। वो तो बोल रहा था कार से 5 मिनट है, पूछो ना फिर जाके उसको कार से कौन से रास्ते। उसने ही बोला ना अभी नीचे, आपने पूछा था जब, उसने खुद बोला। हाँ तो वो कार अभी निकालनी पड़ेगी वापस सब उससे फिर। हाँ ठीक है, मतलब उसने जो बोला था वो बता रही हूँ, बाकी अभी हम लोग चल रहे हैं नीचे कुछ, क्योंकि खाने का टाइम है तो खाते पीते फिर सोते फिर नेक्स्ट निकलते अगले दिन और ट्रिप प्लान करते। वैसे कल कहाँ निकलना है? चल जाएंगे लेके तरफ। ठीक है चले, चलिए है भाई। चप्पल चप्पल इसके अंदर है, इधर वाली साइड पे होगी भाई, इधर वाली साइड। हाँ कार कौन सी, उधर है क्या कार?
सैंडल उसकी उधर साइड में पड़ी होगी। आपने तो इधर खड़ी करी थी, एकदम अंदर खड़ी कर दी। नहीं मिली सैंडल, इधर है। और यहाँ बाइक है ना, आपको रेंट पे मिलेंगी, रेंट पे। और ये हम लोग मनाली की गलियों में घूमते हुए, और वहाँ सामने देखो ऊपर व्यू। मतलब अभी तो हमें और ऊपर जाना है यार, ये लोग कैसे इतने ऊपर घर बना लिए, मुझे तो समझ में नहीं आता। और यहाँ पे बार-बार शॉप भी, अगर किसी को जाना है तो बाल वाल कटिंग करवा सकते हैं। ये तो वो है ऊपर सामने, डिनर वगैरह का होगा, रहेगा ना, डांस वांस भी है और मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट एप्पल बट। कम एप्पल वर्ल्ड नहीं, एप्पल बट। कम वो ही बताने आ रहे हैं वो। वॉक लग जाएगा बच्चा। इधर आ, इधर आ, पलेट टूट जाएगी, डोंट। अंकल गुस्सा करेंगे। बेटा दे रही है मम्मा आपको बच गया ना, प्लीज छोड़ दो। हाँ ये बोतल चाहिए, गिलास में। फिश का देख लेना आप वो तो, और अभी वो रह रहा है शायद पनीर ना। ये हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हुए यहाँ पे, एक्चुअली सबको रखना चाहिए। खाने से पहले अपनी प्लेट्स को अच्छे से धोएं, धोए नहीं साफ करें। फ्राइड राइस ऑर्डर करें, साफ लाके दे दिए। क्या बात कर रहे हो अनायरू, कैसे अनायरू? गरम लग गया। अंकल मेरा अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं एक बार फिनिश करके देती हूँ। ऐसे कुछ बोला ना अनायरू, दूर हटो, इसको दूर हटाओ। अनायरू इधर आओ, गरम चाय है बस, ठीक है। सो यहाँ हमारा खाना फिनिश हो गया है। अच्छा था खाना, आप ही लोगों से पूछ रही हूँ। अच्छा था खाना है ना, पेट भर गया हमारा। फिर हमने लास्ट में 2 कॉफी ऑर्डर करी है एंड एक चाय ऑर्डर करी है जनाब ने। अनायरू अपने फ्रेंच फ्राइज खाते हुए, आपको स्वाद चाहिए रुको मैं दे रहा हूँ। अभी हम लोग पीते हैं और जाते हैं फिर अपने होटल में, रेस्ट करेंगे।